हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अपने कोकोपीट को आप अच्छे से धो लें, तो देखिए 2 से 3 मिनट एटलीस्ट इसको ड्राई कर लें ताकि इसका सॉल्ट कंटेंट जो है कम हो जाए। तो देखिए अभी ये पूरा ड्राई हो गया है, बड़े बड़े जो इसमें रेशे रहते हैं उनको भी निकाल लें, वो भी सही हो जाएंगे। तो इससे रहता क्या है कि हम अब आराम से अपना पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, तो उसमें जैसे इस तरह के बड़े बड़े रेशे भी आप हटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये गट्टे हो गए हैं लंबे लंबे, चाहे तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। आपका कोकोपीट इस तरह से एकदम पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो जर्मिनेशन के लिए, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए ये कोकोपीट इस तरह का बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और कंपनी कई सारी हैं, मैं आपको लिंक टैग कर दूंगा। मैंने जिस कंपनी से मंगाया सो मुझे करीब 480 रुपये का 10 किलो के 2 ब्रिक टोटल, मतलब 5 किलो का 1 ब्रिक, तो टोटल 2 ब्रिक मुझे 10 किलो के 480 रुपये में ऑनलाइन पड़े। तो ये रीज़नेबल है, आप इससे सस्ता तो आप अगर ऑफलाइन लेंगे तो ही मिलेगा, ऑनलाइन में तो ये जो मैंने लिया है वो सही प्राइस है, रीज़नेबल है। सो मैं लिंक टैग कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप कोकोपीट को सुखाकर अच्छे से अपने पॉटिंग मिक्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।